रमंती कत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा की जाती है देवताओं का वहीं पर वास होता है, और ये बात बिल्कुल सच्ची है। जिस घर में, जिस सोसाइटी में, जिस नेशन में हम नारी का सम्मान करते हैं, उसका ऑनर करते हैं, वो देश, वो घर वही प्रगति करता है, वही फ्लरिश करता है। और ये बात सच है, नारी हमारे देश की आधी पॉपुलेशन नहीं है, नारी हमारे देश की पूरी पॉपुलेशन की जननी है। और आज जैसा कि बहुत सारे पैनलिस्ट ने भी कहा कि विमेन एम्पावरमेंट की बातें कैसे हो रही हैं जब नारी खुद ही सर्वशक्तिमान है, शक्ति का रूप है, मगर हाँ कमी तो कुछ रही है और उस कमी को भी पूरा करा जाए। और जैसा कि किसी ने कहा कि हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कहा था कि 20 साल बाद आप देखेंगे कि बहुत फर्क आ जाएगा, पर अभी इतना फर्क नहीं आया है और हम बहुत ही स्लो स्पीड से, स्लो पेस से आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें आगे बढ़ना नहीं, बहुत कुछ करना है। और हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक है कि माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है। नारी बहुत आगे बढ़ रही है आप सबके साथ से, पुरुषों के साथ से, मगर फिर भी कमी है और कमी ज़रूर है। तो माइंडसेट बदला जाए, लड़की लड़के में भेद ना किया जाए, आपसे ही आपका समाज बदलेगा, समाज से सोसाइटी पूरी बदलेगी और फिर धीरे धीरे देश बदलेगा। और डेफिनेटली आने वाले कुछ सालों में शायद हमें ये वुमेन एम्पावरमेंट डे ना सेलिब्रेट करना पड़े और हम एम्पावर्ड वुमेन डे सेलिब्रेट करें, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि दूसरी चीज़ जो हमें सिखानी है अपनी बेटियों को और अपने बेटों को, दोनों को, क्योंकि अगर हम सिखाने की बात करते हैं, माइंड सेट चेंज की बात करते हैं, हर जगह जो भी हम बात करते हैं, अगर हमें इक्वालिटी रखनी है तो हमें दोनों को सिखाना है, माइंड सेट चेंज करना सिखाना है, दोनों को सिखाना है, बेटी को भी बेटे को भी। अगर हमें कुछ और सिखाना है वो भी दोनों को सिखाना है। तो फिनेंशियल इंडिपेंडेंस इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग। हम अपने बच्चों को, बेटों को तो आज तक सिखाते आए हैं कि भाई तुम लड़की तो शादी करके चली जाएगी, वो करे नौकरी नहीं करे चल जाएगा, तुम्हें नौकरी करनी बहुत ज़रूरी है, तुम एजुकेटेड हो, तुम अपने करियर पर ध्यान दो। बेटी पढ़ा रहे हैं मगर फिर भी इट्स अ सेकेंडरी थॉट, कहीं ना कहीं हमारा माइंडसेट है, मगर ज़रूरत आज ये है कि बेटी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हम इक्वालिटी की बात तभी कर पाएंगे ढंग से, ट्रू सेंस में, जब हम ये माने कि नहीं शादी तो होती रहेगी और हो ही जाती है, मगर जो इम्पोर्टेंस है कि दोनों, हमारे दोनों बच्चे, बेटा भी और बेटी भी फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। उसके बाद बेटी चाहे आगे हाउसवाइफ बनना चाहे, चाहे उसके बाद वो फाइटर पायलट बनना चाहे, वो टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, पॉलिटिशियन, जो बनना चाहे वो उसकी मर्जी, मगर आपको एज अ पेरेंट, एज अ गुरु, एज अ टीचर, एज अ फैकल्टी यही सिखाना है कि आप लड़का हो या लड़की हो, आपको फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो यही दो चीज़ें, मैं मेरा मानना है कि इंटरनेशनल वुमेंस डे 2021 में मेरा मैसेज सभी के लिए है कि माइंडसेट बदले, सोच बदलेंगे तो बहुत बदलाव आएगा। और दूसरी चीज़ है कि फिनेंशियल इंडिपेंडेंस को बहुत प्रायोरिटी दीजिए। और फिनेंशियल इंडिपेंडेंस किससे आती है, इस जीएम ग्रुप ने जिस तरह से ये इंस्टीट्यूट्स खोले हुए हैं बच्चों को पढ़ाई कराने से, एजुकेशन से, सो एजुकेशन इज अ मस्ट, एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेपन। तो एजुकेशन इज द प्राइमरी थिंग एंड बोथ द जेंडर्स, मेल एंड फीमेल, बोथ ऑफ देम हैव टू बी वेल एजुकेटेड, इंडिपेंडेंट एंड टेक अवर कंट्री टू ग्लोबल हाइट्स। थैंक यू सो मच।